राम जय राजा राम। राम राम सा, आप सगला भक्तारो स्वागत है रामायण पाठ में। काल रे प्रसंग में अपन जानियो कि किया विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं, और इन प्रकार आगे रो प्रसंग आपने सुभाष जी और अंकिता जी गार सुनासी, और मैं पुखराज आपने मायड़ भाषा में समझा सु। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। ओ आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण और मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र वन में चाल रहा है। वन में चालता चालता गेने के बहुत ही वीरान आश्रम दिखियो। बड़े ना तो कोई पशु पक्षी है और ना ही कोई बात। ये वीरान आश्रम में एक शिला ही जी दूर दिखाई पड़ती। इस शिला ने देख प्रभु श्री राम मुनिवर ने कियो, हे मुनिवर आ कई चीज है? प्रभु श्री राम री व्याकुलता देख मुनिवर ब्याने भी शिला री कथा सुनाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र प्रभु श्री राम ने शिला रे बारे में बतावे और कहे, हे रघुवीर आ शिला गौतम ऋषि री अहिल्या री है, जिकी आपरी चरण कमलारी माटी री हजारों सालों प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवीर इन पर दया करो और इन्हें श्राप मुक्त करो। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। परसद पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई करी जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवन वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरन ही लागी, जुगल नयन जलधार वही। भक्तारा उद्धार करने वाला रघुनाथ जी ने देख बहात जोड़ सामने खड़ी होगी, अत्यंत प्रेम में बा उतावली हो उठी और बीरो शरीर पुलकित हो गयो। बीर मुख सु कोई भी वचन को नहीं बोले जा रही। अत्यंत भाग्यशाली माँ अहिल्या प्रभु रे चरणा सु लिपट गई और अत्यंत प्रेम रे कारण बीर नेत्र सु आंसू बेवन लाग गया। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल वाणी, अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भवमय मोचन पाही पाई शरण ही आई। फिर वह मन में धीरज राख रघुकुल नंदन ने पहचानी और बियारी कृपा सु भक्ति प्राप्त करी, और माँ अहिल्या ने अत्यंत निर्मल वाणी सु रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम री स्तुति आरंभ करी। हे रघुनंदन मैं एक सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु थे जगत ने पवित्र कृपा वाला हो, भक्त ने सुख देव नाला और थे रावण रा शत्रु हो। हे कमल नयन थे जन्म मृत्यु और भैर ने दूर करने नाला, मैं थारी शरण में आई हूँ, हमारी रक्षा करो।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय।